तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से जाने पड़ रहे हैं इग्नू के चक्कर लगाने, क्योंकि एक असाइनमेंट मेरा रह रहा है, उसको आज जमा करता हूँ मैं। और अभी हो चुके हैं सुबह के 8:40। इतनी जल्दी निकलूँगा, स्टडी सेंटर खुलने का टाइम है 10, तो 40 मिनट के करीब तो पहुँचने में लगेगा, इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। उसके बाद ऑफिस भी जाना है। अभी बताता हूँ मेरा असाइनमेंट क्यों रह गया था सबमिट होना। कहानी बहुत दुख भरी है दोस्त। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलो आगे व्लॉग में बने रहना। सो फाइनली इसके साथे शालीमार बाग आ गए, सही टाइम पे निकल गया था। और अब मैं समझ याद है किस तरफ है मेरा सेंटर। पिछली बार आया था तो मुझे पता नहीं था, अभी चलते हैं उस तरफ। चलो चलते हैं भाई। मुद्दा पता है क्या हुआ, क्या था मेरे साथ? जब मैंने एडमिशन कराया अपना, उस टाइम मेल आई मुझे, हंसराज कॉलेज इज द स्टडी सेंटर। लेकिन एक साल बाद पता चला कि स्टडी सेंटर तो मेरा कुछ और है। और उसी की वजह से मेरा असाइनमेंट कहीं और जमा हो गया और नंबर अभी तक अपडेट नहीं है। रोड क्रॉस कर लेते हैं, गाड़ियाँ बहुत सारी आई। 10 बजे सेंटर खुलेगा, मैं पहुंच चुका हूँ 9:20 पे इधर। 40 मिनट इंतज़ार करते हैं, भटकते हैं इधर उधर। अब इंतज़ार करते हैं 10 बजने का, तब तक इधर उधर भटकते हैं। वहाँ बैठता हूँ मेट्रो स्टेशन के पास। मुझे अपना समिट फिर से दोबारा लिखना पड़ा पूरा का पूरा। और पिछले साल का मैं सोचा भाई जमा हो गया ऑनलाइन, वैसे रखना चाहिए था, मेरी गलती हो गई, मेरे को फिर से असाइनमेंट बनाना पड़ा इस साल का। क्योंकि इस साल का मुझे समझ नहीं आया था, मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा पिछले साल का असाइनमेंट अगर है तुम्हारे पास तो वो जमा करा दो। तो मैंने ज़्यादा देरी ना करते हुए वही बना दिया, जो मिल गए वो मिल गए, नहीं बाकी मैंने दोबारा बनाया। और आज आया हूँ जमा करने अपने स्टडी सेंटर। सब मेल की वजह से हुआ है, वरना मैं यहीं लाके नहीं जमा कर देता। बाद में वह चलता हमारे स्टडी सेंटर ही कुछ हो, क्या कर सकते हैं। अपना स्टडी सेंटर भी दिखाता हूँ। बाहर से तो बिल्डिंग सही है, अंदर से खंडर है खंडर, कुछ नहीं दिखता उसके अंदर। 2-3 फ्लोर तो कुछ है नहीं, 4th फ्लोर पर जो भी है। अभी चलता हूँ फिर दिखाता हूँ। किराए की बिल्डिंग के बगल में यहाँ पर है, तो होने वाले हैं लेकिन अभी तक कोई दिखा नहीं आता हुआ। और इधर सामने एक चीज़ और मुझे दिखी, जस्ट मेरे सेंटर स्टडी सेंटर के सामने यूनिवर्सिटी का, जो मतलब दिल्ली नहीं दिल्ली गवर्नमेंट का है, उनका एक इनिशिएटिव है, यहाँ पर भी सिखाते हैं कॉलेज है वो भी। अभी मैं दिखाता हूँ अगर आपको दिखेगा तो बैक कैमरे से। दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, उसमें भी कई प्रकार के कोर्स सिखाए जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ किस तरफ है, उस तरफ वहाँ कहाँ है सी देखा, ये यहाँ पर है दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कॉलेज, काफ़ी अच्छा है, इसका भी नाम सुना। फाइनली असाइनमेंट जमा हो गया, यहाँ ऊपर है। देखो यहाँ खाली, वो भी खाली, ये भी खाली, ये सब कुछ नया है यहाँ पर। बाकी पूरी बिल्डिंग खाली फ्लोर छोड़ के जहाँ पर हमारा सेंटर है, सन्नाटेदार बिल्डिंग। तीसरे आई थिंक 3rd फ्लोर पर हो गया असाइनमेंट जमा। सरदार रखता हूँ भाई, असाइनमेंट भाई दोनों जमा हो गए फाइनली। इतने दिन की मेहनत, और अब चला मैं जॉब की ओर, टाइम से पहुंच जाएंगे।